मैहर विधायक के प्रयासों से सिविल हॉस्पिटल को मिली एक बड़ी सौगात, जल्द ही किडनी रोगियों को मिलेगा समाधान। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी के प्रयासों से मैहर सिविल हॉस्पिटल को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बरसों से मैहर के लोग किडनी की समस्या से जूझते यहां वहां भटकते नजर आ रहे थे, जिसको लेकर के विधायक के प्रयासों से अंततः सफलता मिली और चंद दिनों के अंदर ही ये सुविधा मैहर में उपलब्ध होगी, जिसके लिए विधायक द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। साथ ही विधायक ने हॉस्पिटल की व्यवस्था का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। पत्रकारों से विकास यात्रा से दूरी के प्रश्न पर विधायक ने कहा कि मैंने अपनी विधायकी की बलि देकर मैहर के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। चाहे मामला सड़कों का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, हर संभव प्रयास कर कार्य किया है। विकास की कोई सीमा नहीं होती, जितना किया जाए कम है। आगे भी प्रयास जारी रहेंगे। समृद्ध, स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर मैहर बनाने की दिशा में प्रयास अनवरत रहेंगे। वहीं इस अवसर पर नारायण त्रिपाठी ने कहा कि लोकार्पण भूमि पूजन का कार्य लोगों के लिए छोड़ा, मेरा कार्य देश दुनिया के विकास का मॉडल देखना, सदन में उठाना और अपने क्षेत्र में उसका क्रियान्वयन कराना है। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। इसकी सुविधा मैहर को मिलने जा रही है आपके प्रयासों से बहुत दिनों बाद, लगभग एक महीना में स्थापित हो जाएगी, क्या माना जाए? क्षेत्र के लोगों को बड़ी सुविधा है। देखिए, किडनी के पेशेंट हमारे मैहर में जो भी रहे वो डायलिसिस के लिए या तो रीवा जाते थे या सपना जाते थे, तमाम भटकते रहते थे। सुबह जाते थे, शाम को डायलिसिस का काम चालू होता था। जब मैहर में ये सुविधा मिल जाएगी तो कम से कम वो सुविधापूर्वक अपने समय से यहाँ पहुँच जाएंगे और जो ज़्यादा पैसा खर्चा होता था वो पैसा की भी बचत होगी। तो मैहर में बहुत दिनों से ये वांछित सुविधा थी जो PPP बोर्ड पर हमें मैहर को उपलब्ध करा दी गई, वो भी दो दो मशीन उपलब्ध कराई गई है। विधायक जी, पूरे प्रदेश में, एक सवाल और आपसे, पूरे प्रदेश में विकास यात्रा जारी है, मैहर में भी उसको लेकर के कार्य चल रहा है, लेकिन आपकी दूरी इस विकास यात्रा से पूरे मैहर विधानसभा में चर्चा का विषय बनी है, आखिर ऐसा क्यों है? ये मेरी दूरी नहीं है, अपने विधायक पद की बलि देकर इस मैहर में विकास की गंगा बहावा दिया। पूरे क्षेत्र में सड़कों का जाल है, अब गली मोहल्ले की सड़कों की बारी है। चारों तरफ स्कूल, कॉलेज, इतने स्कूलों का उन्नयन हुआ इस मैहर में, जितना सतना जिले को मिला दिया जाए तो पूरे जिले का एक तरफ और मैहर का ज़्यादा मिलेगा। आप जनप्रतिनिधि हैं, तो विकास जो जहाँ जितना जरूरत थी उन सभी विषयों पर काम किया। अब मुझे दिन भर काम देखना पड़ता है, कहाँ क्या गड़बड़ियाँ, कहाँ का कमियाँ, पीने का पानी घर घर में 2-4 माह के अंदर पहुँचना चालू हो जाएगा, सिंचाई का पानी ग्रामीण क्षेत्र में भी किसानों के लिए चला जाएगा, यही विकास होता है। तो ये मूलभूत विकास का काम किया हूँ। अब इसके बाद ये यात्रा जो है, यात्रा में बहुत लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। भूमि पूजन, शिलान्यास, उद्घाटन ये लोगों के हवाले है, मेरा काम है पूरी दुनिया को देखना, घूमना और विकास के मॉडल को तैयार करना और सदन में जाके अपनी बात को रख के काम कराने का काम है मेरा। तो उस काम में मैं लगा हूँ, ये फॉर्मेलिटी चलता रहता, दिन भर में विकास की बातें करता हूँ। भनवारा क्षेत्र में एक मामला इन दिनों सुर्खियों बटोर रहा है, पेयजल की समस्या काफ़ी मुंबई खड़ी है, क्या इसके लिए प्रयास होंगे कि लोगों को सुविधा मिले? सबसे पहले पहाड़ क्षेत्र में और मैहर में मार्च अप्रैल के अंदर पानी आ जाएगा। इसके बाद अंदरा सर्किल, नादन सर्किल, इन सर्किलों में भी पीने का पानी हर घर में नल जल की योजना पहुंच जाएगा। और वर्तमान में यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं भी घुनमारा अंदरा का पता करूंगा, जहां भी समस्या होगी उस समस्या का निराकरण करूँगा।